hello everyone, i welcome you all to my channel education world. so dear all, in last class we discussed about the revolution age of 1830 to 1848 in which we have discussed the case of uh, that french revolution, then belgium and then we have discussed about the greece war of independence. so today we are going to discuss about the division of age of revolution again, but here we are going to discuss this into three phases.

National feeling. So, here, romantic imagination, we are connecting to the love towards our nation. So, uh, you know, that love ko, uh, develop karne ke towards the nation, towards that area in which the people of Europe were living. So, you know, that culture was used here as a weapon to develop these feelings. So, that only we are going to discuss in this topic. So, let's see that how these national sentiments were developed. through culture so let's come on the first point what is it nationalism didn't come about only through wars and territorial expansion but use of culture to create idea of nation so that we have already discussed ki ha केवल रेवोल्यूशन लेड नहीं किए गए केवल वॉर्स को यूज नहीं किया गया टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं किया गया नेशनलिस्ट फीलिंग्स को डेवलप करने में या सेंटीमेंट्स को डेवलप करने में बल्कि कल्चर को भी एक नेशन का आइडिया यू नो वी कंस ए बिल्डअप करने में यूज किया गया कैसे सो लुक हियर आर्ट पोएट्री स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग सो यहाँ पर आर्ट को यूज किया गया पोएट्री को यूज किया गया स्टोरीज uh, को यूज किया गया म्यूजिक को यूज किया गया ताकि लोगों को नेशनलिस्ट सेंटिमेंट से जोड़ा जा सके सो so आर्ट को कैसे जैसे अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लेंगे तो आर्ट में हम देखेंगे कि कभी कभी भारत माता भारत

अगर हम एग्जाम्पल देंगे इंडिया में तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी दैट इज द पोएम की जिसमें आप देखोगे की यू नो की उसको सुनते ही लगते है कि हाँ एक यू you नो know, एक इतनी एक वॉरियर भी रही है हमारी कंट्री में जितने अपना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इंडिया को फ्री करवाने में स्टोरीज तो हमारे पास में बहुत सारी है कितने फ्रीडम फाइटर्स हमारे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए सो so, स्टोरीज को भी यूज किया गया यूरोप में ताकि नेशनल फीलिंग्स को डेवलप किया जा सके म्यूजिक को यूज किया गया सो फिफ्टींथ ऑगस्ट ट्वेंटी सिक्स जनवरी पर यू you नो know, आप देखते होंगे कि हर कहीं पर केवल क्या होता है चलाए जाते हैं थिंग so कि ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी 15 अगस्त को ही चलाए जाए बल्कि हाँ दैट इज द थिंग कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं और उस टाइम पर हम वो फील करते हैं द लव टूवर्ड्स आर नेशन तो म्यूजिक को यहाँ पर यूज किया गया यूरोप में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को डेवलप uh, करने में उसके अलावा अगर हम बात करें कि रोमांटिसिज्म या रोमांटिक इमेजिनेशन है क्या सो लेट्स डिस्कस वो तो हमने देख लिया कि हाँ यहाँ पर इसको यू uh, नो you know, कि कंट्री के लिए एक नेशन के टू वर्ड्स उसके लोगों के टू वर्ड्स लव को एक्सप्रेस करने के लिए उन फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए कल्चर से कहीं ना कहीं रोमांटिक इमेजिनेशन को कनेक्ट किया गया लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन लेट्स सी

सोशलिज्म आपका कैपिटलिज्म तो वो आइडियोलॉजीज हैं तो वैसे ही रोमांटिसम भी एक आइडियोलॉजी है जिसके थ्रू क्या देखोगे आप कि जहाँ पर कल्चर टू क्रिएट अम ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट रोमांटिसिज्मी आइडियोलॉजी है जिसमें कल्चर को यूज किया जाता है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने में उसके अलावा आप देखोगे रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट थे उन्होंने कहा कि भाई हर जगह पर आपको साइंस को ले जाने की जरूरत नहीं है आपको रीजन को ग्लोरिफाई करने की जरूरत नहीं है बल्कि आपको क्या करना चाहिए कि जो भी यू uh, नो you know, ये कल्चर है इसको यूज करना चाहिए हमें लोगों को जोड़ने के लिए सो इन प्लेस ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन इन साइंस फोकस्ड ऑन इमोशंस इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स ऑफ पीपल उन्होंने कहा कि इनको ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ताकि लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट फील कराया जा सके और वो इस लड़ाई में साथ आ सके लुक फॉर द यूज आर्ट पोयट्री स्टोरीज एंड म्यूजिक टू शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स तो यहाँ पर रोमांटिक इमेजिनेशन में दैट वी विल सी कि आर्ट पोयट्री को यूज आर्ट को यूज किया गया पोयट्री को यूज किया गया स्टोरीज और म्यूजिक को यूज किया गया इन नेशनलिस्ट फीलिंग्स को शेप करने में या फिर डिवलप करने में इसी के थ्रू आप देखोगे कि फोक टेल्स को जगह जगह से कलेक्ट किया गया अलग अलग पार्ट से यूरोप के ताकि जो इवन इलिटरेट लोग हैं उनके बीच में भी ये जो नेशनल सेंटिमेंट्स इनको डेवलप किया जा सके क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था बुक्स वगैरह को यूज किया जाता था एक्सप्रेस करने के लिए जिसमें आइडियाज दिए गए कि भाई नेशन ऐसा होना चाहिए जहां पर इस तरह की गवर्नमेंट होना चाहिए इस तरह का सिस्टम होना चाहिए लेकिन वट अबाउट द इलिटरेट पर्सन वो नहीं पढ़ पाते थे उन बुक्स को सो देट्स वाई द फोकस वॉज गिवन योर की ये जो आइडियाज हैं इनको डेवलप करने के लिए कल्चर को यू नो इम्पोर्टेंस दी जाने चाहिए उसको यूज किया जाना चाहिए एंड उसी के थ्रू ये जो फॉकटेल्स है उनको कलेक्ट किया गया उसके बाद में आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट यू नो पोएट का नाम जो यहाँ पर है जॉन गोड सो गुड ने क्या कहा उनके आइडियाज है उन्होंने कहा ही क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल तो जॉन गुड ने ये कहा कि uh, जो जर्मन कल्चर है ना उसको कॉमन पीपल के बीच में डिस्कवर करना जरूरी है क्योंकि जर्मन ने डिवाइडेड था अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था तो उन्होंने सोचा कि लोगों को एक जैसा कैसे फील कराया जाए So उन्होंने कहा कि इसको डिस्कवर करना जरूरी है अब डिस्कवर कैसे किया जाएगा सो कॉमन पीपल यहाँ पर दासबुक उन्होंने यूज किया है कॉमन पीपल के लिए जर्मनी के सो so अब ये जो जर्मन के लोग हैं जो अलग अलग यू नो एम्पायर्स के कंट्रोल में है अलग अलग एम्पायर्स के कंट्रोल में है तो उनके बीच में अलग अलग रहते हुए इन नेशनल सेंटिमेंट से उनको कैसे कनेक्ट किया जाए दैट यू विल सी हियर कि क्या यूलिया उन्होंने दिया है सो इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स फोक पोएट्री एंड डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वाज पॉपुलराइज तो उन्होंने भी सेम आइडिया दिया है कि फोक सॉन्ग्स के थ्रू फोक पोएट्री के थ्रू डांसेस के थ्रू ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग है इसको पॉपुलराइज किया जा सकता है ओके okay? और ये जो आपका वॉकजिस्ट है ये क्या है ये यूज किया गया है ट्रू स्प्रिट ऑफ नेशन के लिए ओके फर्दर यू विल सी सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज असेंशियल टू दी प्रोजेक्ट ऑफ द नेशन बिल्डिंग इसीलिए उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया किसको कि फोक कल्चर को कलेक्ट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री इन द फॉर्म ऑफ फोक टेल्स ताकि जो लोग हैं उनको ये आइडियाज दिए जाए और नेशन को बिल्ड किया जाए तभी जर्मनी को एक यूनिफाइड जर्मनी बनाया जा सकता है अलग अलग पार्ट्स को जोड़ा जा सकता है जब लोग अपना स्ट्रगल लड़ेंगे लेकिन स्ट्रगल लड़ने के लिए लोगों का एकजुट होना जरूरी है एकजुट कैसे होंगे जब वो एक जैसा फील करेंगे कि हाँ हम एक ही यू नो जगह से कनेक्टेड है और उसी के लिए इस कल्चर को यूज किया गया यहाँ पे उसके अलावा आप देखोगे कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को भी एज अ वेपन यूज किया गया नेशनल सेंटिमेंट्स को डेवलप करने के लिए हाउ सो लेट्स सी सो हेल्पफुल इन रिकवरिंग एन एंशियंट नेशनल स्पिरिट इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज मोस्टली इलिटरेट सो सेम जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था Uh, कि यू you नो know, कि लोगों का आइडिया था कुछ स्कॉलर्स का आइडिया था कि ये जो स्पिरिट है नेशन बिल्डिंग की इसको लार्ज नंबर लार्ज ऑडियंसिस तक ले जाना जरूरी है लेकिन उस ऑडियंसिस में हमारे इलिटरेट पीपल भी हैं और लिटरेट पीपल भी हैं लिटरेट पीपल क्या करेंगे वो बुक्स को पढ़ेंगे लोगों के आइडियाज को पढ़ेंगे कुछ करेंगे बेसिकली और वो यू uh, नो you know, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन वॉट अबाउट द इलिटरेट पर्सन तो उन्होंने कहा कि ये जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेजेस हैं इनको लार्ज

पोलैंड अलग अलग डिवाइड हुआ ये डिवाइड तो हो गया था लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं यू नो कि वो फीलिंग्स थी कि हाँ हम एक ही जगह से बिलोंग करते हैं अलग अलग पार्ट्स में होते हुए भी सो इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस तो ये जो फीलिंग्स थे लोगों के अंदर पोलैंड के जो अलग अलग पार्ट्स में रह रहे थे अलग अलग रूलर्स के कंट्रोल में वो किसके थ्रू थी वो म्यूजिक और लैंग्वेजेस के थ्रू उन्होंने जिंदा रखी बेसिकली वहां पर कि इवन हम इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं है बट हाँ we belong to a uh, you know we can say single unit so that was the feeling which was still there in the heart of the people of Poland and that was kept alive through the music and languages उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर करोल जो kurpinski the unhone bhi national struggle ko operas music turning folk dances, da ge, dancers जैसे कि dances में आप देखोगे Poland के जो main dances थे polonaise and मज़ूर का जो आपका east Poland में ज़्यादातर use uh, you know uh, we can say किया था सो so, इनको नेशनल सिंबल की तरह यूज किया उन्होंने ताकि लोगों को अगेन वी से कनेक्ट किया जा सके उनको जोड़ा जा सके और इस नेशनल स्ट्रगल में उनका पार्टिसिपेशन लिया जा सके उसके अलावा as we have seen here vernacular languages तो regional languages आपकी हुई ठीक है तो इनको कैसे यूज किया गया तो लोगों को जोड़ने के लिए यहाँ पर हमने देखा बट इसके अलावा भी आप देखोगे एक केस भी आपका दिया हुआ है इसी टॉपिक में कि कैसे लैंग्वेजेस का रोल रहा है नेशनल सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में तो यहाँ पर हम बात करेंगे पॉलिश लैंग्वेज की सो आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन क्योंकि जब हमने देखा यू नो कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में जो आपका पोलैंड का पोलैंड था वो किसको दे दिया गया था रशिया को दे दिया गया था ताकि जो यू नो फ्रांस है वो आगे अपना एक्सपेंशन ना कर पाए राइट सो पोलैंड का जो पार्ट था वो दे दिया गया था रशिया को और आप यहाँ पर देखोगे कि इवन थ्रू दैट उसके बाद में क्या हुआ आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स आउट ऑफ स्कूल इन द रशियन लैंग्वेज वाज़ इम्पो वॉज इम्पोज एवरीवेयर तो अब ये तो ठीक है कि रशिया ने यू नो ऑक्यूपाई कर लिया पोलैंड को लेकिन उन्होंने वहां का कल्चर भी रिमूव कर दिया दैट वॉज इन गुड फॉर द पीपल क्योंकि कल्चर इज द समथिंग वी कैन से अगर हमें बोला जाए आज की चलो अब यू uh, नो you know, हमें तो नहीं बोला जाएगा हम अपनी कंट्री पे कैसे रूल करने देंगे किसी को बट हां अगर कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे रूल करती है और वहां पर बोला जाए कि भाई आज से आप ये लैंग्वेज बोलनी बंद करो आपको ये लैंग्वेज सीखनी है ये यूज करनी है सो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड वी विल से कि वो तो हमारी अपनी लैंग्वेज उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं सो वी हैव अ कनेक्शन टू दैट लैंग्वेज विच वी आर स्पीकिंग फ्रॉम आर बर्थ राइट सो दैट वी विल सी हियर वी आर हैविंग अ कनेक्शन टू दैट एंड हियर द सेम वाज हैपनिंग जो पोलैंड के पर्सन थे उनके लिए क्या था पोलिश लैंग्वेज

ये लैंग्वेज को एक वेपन बनाएंगे और तब हम रेवोल्यूशन करेंगे रशियन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट सो लुक हियर इन 1831 एटीन थर्टी रिबेलियन अगेंस्ट रशिया टुक प्लेस अः विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड सो 1831 में इवन यू नो कि आर्म रिबेलियन भी हुआ फ्रॉम द साइड ऑफ पोलैंड लेकिन रशिया ने क्या किया उसको बहुत ही रुअलिटी के साथ में क्रश कर दिया सप्रेस कर दिया उसके बाद में फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज इज वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस तो आप देखोगे कि क्लर्जीज जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इस टाइम पर यूरोप में क्योंकि क्लर्जीज को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी काफी पावर्स उनके पास में होती थी और काफी रिस्पेक्ट उनको दी जाती थी सो दैट इज द थिंग आप देखोगे की क्लर्जीज ने ये बेड़ा उठाया कि हाँ हमें क्या करना है लैंग्वेज को बेसिकली व्यापन like की तरह लोगों को सौंप देना है कि ये लो आपके लैंग्वेजेस को चेंज कर दे इन्होंने अब तो आपको इनके अगेंस्ट लड़ना ही पड़ेगा सो दैट वाज द थिंग आप देखोगे कि बहुत सारे जो मेंबर्स थे क्लर्जी ग्रुप से पोलैंड में उन्होंने क्या किया हर जगह पर पोलिश लैंग्वेज को ही यूज करना शुरू किया जैसे चर्च गैदरिंग्स में इवन रशिया ने बेस लगाए हुए थे लेकिन फिर भी वो चर्च गैदरिंग्स में पॉलिश लैंग्वेज को यूज किया करते थे रिलीजियस के लिए वो लैंग्वेज यूज किया करते थे सो द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस तो इस तरह से यहां पर पॉलिश लैंग्वेज को एक सिंबल ऑफ स्ट्रगल बनाया गया किसके अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट और यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरह से एक लैंग्वेज ने एक वेपन का काम किया पोलैंड में और बेसिकली लोगों को खड़ा किया किसके अगेंस्ट भैया हमें अपना पुराना कल्चर वापस चाहिए हम नहीं इम्पोज होने देंगे ये नया कल्चर हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर रहेंगे सो वाज अबाउट द रोमांटिक इमेजिनेशन टॉपिक आई होप दैट ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर था अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कॉमेंट में जा कर के कॉमेंट करके पूछ सकते हो कुछ और भी अगर आप चाहते हो कि मुझे ऐड करना चाहिए सो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट आई एम ओपन टू द दजेशन थैंक यू वेरी मच हैव है नाइस डे विल मीट इन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल्सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल